अब हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर टू पे। 2017 का पेपर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर टू देखो जरा। क्वेश्चन नंबर टू का ए, शो डैट एनी फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स टी दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन टी माइनस, दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन टी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, वो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस टी बाई एक्स, कुछ ऐसे प्रूव करना है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा। ध्यान से देखो, इस टॉपिक को हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आपको सॉल्यूशन दिया होगा और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, तो आप ऐसे करोगे t माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर दो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, टी, क्योंकि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन शो करना है वो है डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, इसमें वेरिफिकेशन से भी बात बन सकता है। शो डैट एनी फंक्शन डैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन, ठीक है ठीक है, इसमें वेरिफिकेशन ही करना है। वेरिफिकेशन करना है तो ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में बताओ, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या निकलेगा, टू इंटू टी माइनस ए, और इधर क्या निकलेगा, टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई बताओ, ज़ीरो। अब यहाँ पर देखो जरा आप, टू टू कैंसिल, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी हो गई, ये उधर गया तो ए माइनस टी बाई एक्स आ नहीं गया। यानी ये जो है, ये सॉल्यूशन है किसका बताओ, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। दिस इज फ्रॉम चैप्टर 21। बस इतना ही पार्ट था इसमें, और तो कुछ था नहीं, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट देखना, शो डैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर ऑन द वाई एक्सिस इज दिस वन। ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ किस टाइप के सर्कल का, ये देखना जरा। सर्कल जिसका सेंटर कहाँ है, कहाँ है सेंटर, वाई एक्सिस पर है और ओरिजिन से पास कर रहा है, सपोज करो यहाँ पर है तो दिस इज ज़ीरो एंड अल्फा, और ओरिजिन से पास कर रहा है, इस सर्कल की बात कर रहे हैं हम लोग, इस सर्कल की बात कर रहे हैं। ज़ीरो अल्फा, वो मिसप्रिंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिसिंग है, वो आगे चल के क्वेश्चन में पता लग रहा है। यहाँ ध्यान दो, ज़ीरो अल्फा इज द सेंटर और नीचे पास कर रहा है ओरिजिन से, और हमें बताना है कि वो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, लेट इट बी वन। एंड वॉट विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर एट ज़ीरो अल्फा, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा बताओ। ये जो ज़ीरो से पास करा दिया, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि रेडियस भी कितना है बताओ, अल्फा ही है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया एक्स माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा का होल स्क्वायर। सेंटर का कोऑर्डिनेट माइनस कर देते हैं एक्स में से और वाई में से, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाता है बताओ, आर स्क्वायर। सो व्हाट वी आर गेटिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब हमें दिखलाना है कि ये इसको सेटिस्फाई करेगा, उसके लिए इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालो और इसमें पुट करके एल एच एस में देखो कि ज़ीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या मिलेगा बताना, एक्स स्क्वायर का मिलेगा टू एक्स, इधर आ जाएगा टू वाई माइनस अल्फा और डी वाई बाई डी एक्स, और अल्फा स्क्वायर का ज़ीरो, टू टू कैंसिल, आगे हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
एक्स बाई ये माइनस कॉमन ले लिया अल्फा माइनस वाई। अब इसको पुट करेंगे, पुटिंग इन एलएचएस ऑफ वन, पुटिंग इन एलएचएस ऑफ वन, तो देखना जरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या डालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई ही रहने दो, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या डाल देंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी होगा, जो y है उसी का dy बाई डी एक्स डाल रहे हैं, तो 2x और y, माइनस 2xy, तो यहाँ से y हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ से अगर y निकालोगे, एक काम करो, y निकालने से अच्छा है x स्क्वायर ही निकाल लें, एक्स स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस वाई माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। इनका डी वाई बाई डी एक्स क्या कहता है कि टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई आएगा। अगर इक्वेशन वन का डी वाई बाई डी एक्स देखें तो टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और हम लोगों का क्या आ रहा है, अगर एक्स स्क्वायर की जगह ये पूरा डाल दें माइनस वाई और माइनस टू एक्स, फिर एक्स की जगह रूट वाला आ जाएगा, ये प्रॉब्लम करेगा। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करो, तो इसको जरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और इधर क्या मिलेगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस, नहीं, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस टू वाई अल्फा, तो कुछ तो कैंसिल, हाँ हो रहा है ना, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह डाल दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई अल्फा, तब अब दूसरा रास्ता यहाँ ध्यान दो, अगर वेरिफिकेशन में चलते हैं तो वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, अगर वेरिफिकेशन के थ्रू चल रहे हैं तो अल्फा और एक्स में कोई रिलेशनशिप नहीं निकल पा रहा, और एक्स की अगर वैल्यू डालते हो तो रूट लग जाएगा, तब इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से, वेरिफिकेशन से नहीं हो पा रहा तो आप अभी इसको साइड कर दो, और हमारे सर्कल की इक्वेशन यहाँ तक आ गई। गौर से देखो, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर y एक्सिस पे है और पास कर रहा है 0, 0 से, उस सर्कल की इक्वेशन निकाली तो ये सब आ गया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई अल्फा को, क्या आया है हमारा इक्वेशन बताना, हमारी इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू वाई अल्फा। अब इसी को आप डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा बताना, टू एक्स, अच्छा ऐसे करने से नहीं होगा, फिर ऐसे करने से सेम जीरो नहीं बनेगा ना, सेम आएगा। अच्छा तो इसमें क्या करें फिर, वाई को सबको एक साइड लेते जाएं, वेरिएबल x वाई टू द पावर माइनस वन इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा, वाई को इधर लेते आएं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई इज इक्वल टू टू अल्फा, अच्छा इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा डिफ्रेंशिएट करना आप लोग विथ रिस्पेक्ट टू क्या बताओ, एक्स, तो क्वेश्चन ट्रू लगेगा,
नीचे y स्क्वायर y रखा तो x स्क्वायर का क्या आ गया 2x, और y रख दिया x स्क्वायर का आ गया 2x, और y स्क्वायर का क्या आ गया 2y और dy by dx। फिर हम लोगों ने माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रखा और y का क्या आ गया बताओ dy by dx इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कांस्टेंट एक साइड कर देंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। अब ये उस साइड जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, तो दिस इज़ 2xy प्लस 2y स्क्वायर dy by dx माइनस x स्क्वायर dy by dx माइनस y स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें क्या मिल रहा है बताओ 2xy, 2xy, 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर क्या आ गया बताओ y स्क्वायर dy by dx और माइनस x स्क्वायर dy by dx इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या प्रूफ करना था डिफरेंशियल इक्वेशन? ठीक है, आ गया। तो फिर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और dy by dx प्लस 2xy इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इस टाइप का भी आपको याद रखना है। कभी कभी ना वेरिफिकेशन से बात नहीं बनेगी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवेन और उसमें पुट कर दिया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, लेकिन याद रहे सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक का ही करना, सेकंड ऑर्डर तक का नहीं करना, उसी में आ जाएगा कुछ ना कुछ करके। नेक्स्ट देखना सी। सी में बता रखा है सेट एस इन आर टू इज सेट टू बी कॉन्वेक्स इफ दिस 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 डेफिनेशन, यूजिंग द डेफिनेशन वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सेट इज कॉन्वेक्स, अ डायग्राम इज नॉट अ सफिशियंट आंसर। इस बार हमें दिया हुआ है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू वन, लेकिन यहाँ डायग्राम हमें नहीं बनाना है, डायग्राम नहीं बनाना है। और कॉन्वेक्स सेट के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है बताओ, कॉन्वेक्स सेट के लिए क्या पढ़ा हुआ है डेफिनेशन, कि अगर एक सेट का ए ले लिया बी ले लिया, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन अगर लैम्डा ए प्लस वन माइनस लैम्डा इंटू बी भी अगर उसी सेट से बिलोंग करता है, देन सेट क्या हो जाता है हमारा कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर फंक्शन को पहचानो जरा आप, एफ एक्स वाई हमें क्या दिया हुआ है बताओ, रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस वन, रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस वन। अगर वाई निकालें तो वाई क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, हम लोग दो वेक्टर लेंगे तो ए को ले लेते हैं एक्स वन वाई वन और बी को क्या ले लेते हैं बताओ एक्स टू वाई टू। अब एक तरफ f के अंदर में हम लोग निकालेंगे लैम्डा ऑफ x1 y1 प्लस 1 माइनस लैम्डा ऑफ x2 y2। आ रही है बात समझ में? तो ये f के अंदर आ जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू x2 कॉमा लैम्डा y1 प्लस वन माइनस लैम्डा इंटू वाई टू। एंड वॉट इज़ आवर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कि जो भी चीज़ आ रहा है आप उसको रूट के अंदर में डाल दो, तो रूट के अंदर में डाल देंगे लैम्डा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा इंटू एक्स टू प्लस रूट अंडर सेकेंड कोऑर्डिनेट लैम्डा वाई वन प्लस वन माइनस लैम्डा इंटू वाई टू माइनस वन, लेट इट बी इक्वेशन नंबर वन। ये किसकी वैल्यू आई है, एफ ऑफ लैम्डा ए प्लस वन माइनस लैम्डा बी की वैल्यू आई है। अब हम लोग करेंगे लैम्डा इंटू एफ ऑफ एक्स वन वाई वन और प्लस वन माइनस लैम्डा इंटू एफ ऑफ एक्स टू वाई टू। लैम्डा फंक्शन कहता है रूट अंडर एक्स वन प्लस रूट अंडर वाई वन माइनस वन, और इधर वन माइनस लैम्डा रूट अंडर एक्स टू प्लस रूट अंडर वाई टू माइनस वन। जरा आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा आपको, लैम्डा रूट एक्स वन और ये सबको एक साथ कर दो, ध्यान से देखना लैम्डा ऑफ रूट एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्डा ऑफ रूट एक्स टू को एक साथ कर लिया, अब वाई वन वाले को लैम्डा रूट वाई वन
और प्लस वन माइनस लैम्डा रूट वाई टू को एक साथ कर लिया। अब देखना बचा कांस्टेंट कितना, माइनस लैम्डा, और इधर बचा माइनस वन और प्लस लैम्डा, तो प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा कैंसिल, सिर्फ कितना बचा, प्लस वन बचा। सिर्फ क्या बचा बताओ, प्लस वन बचा, प्लस वन बचा या हाँ माइनस वन ना, माइनस वन इंटू वन, हाँ माइनस वन बचा। ठीक है, अब आप जरा वन और टू को कंपेयर करो कि दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। यहाँ भी माइनस वन, यहाँ भी माइनस वन, और एक इनइक्वलिटी होती है, एक मिनट, एक इनइक्वलिटी होती है कि लैम्डा रूट ए प्लस लैम्डा वन रूट ए प्लस लैम्डा टू रूट बी, ये वैल्यू बड़ी होगी किससे, रूट अंडर लैम्डा वन ए प्लस लैम्डा टू बी से। ठीक है, ये बड़ी होगी, ये ए एम जी एम एच एम की प्रॉपर्टी होती है। ये बस आपको याद रखना है कि अगर सम कांस्टेंट इनटू रूट लिया, फिर सम कांस्टेंट इनटू अनदर रूट लिया, और एक ही बार रूट के अंदर में अगर उन सब का कर दोगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो एज दिस प्रॉपर्टी, अब देखो जरा, इससे बड़ी वैल्यू आ गई क्या ये, इससे बड़ी वैल्यू आ गई ये, और माइनस वन तो दोनों जगह सेम है, तो क्या पता लग रहा है हमें कि सेकेंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू बताओ क्या, वन, हैंस इट इज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की यही डेफिनेशन होती है ना, अच्छा कॉन्वेक्स फंक्शन दिखलाना था या सेट दिखलाना था, तो लैम्डा ए प्लस वन माइनस लैम्डा इंटू बी, अगर सिर्फ इसकी बात करें फंक्शन हटा दें तो ये आ रहा है और ये भी उस सेट से बिलोंग करेगा, ये कैसे दिखला सकते हैं डेफिनेशन से, कॉन्वेक्स फंक्शन है अच्छा, बिना डायग्राम का तो फिर ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ ना 16 का डायग्राम के थ्रू, लेकिन बिना डायग्राम का इस वाले डेफिनेशन से कैसे होगा, क्योंकि रूट में अगर रूट एक्स है इसके साथ लैम्डा लगा दिया तो लैम्डा रूट एक्स और वन माइनस लैम्डा रूट वाई और दिस, ये तो हम लोगों ने फंक्शन प्रूव कर दिया। अब जब प्रूव कर ही दिया तो कटिंग क्यों करें, अगर ये फंक्शन होता तो लिख देते हैं एफ एक्स वाई इज कॉन्वेक्स, अगर आ गया तो कॉन्वेक्स फंक्शन तो प्रूव कर दोगे, लेकिन सेट के लिए तो बिना ग्राफ का। अब अगर दो पॉइंट ले लेते हैं तो दिस दिस, तो आएगा बिना फंक्शन के एफ के अंदर की वैल्यू प्लस, तो दिस कॉमा दिस, और ये हमारा इस पे रूट लगा करके, इस पे रूट लगा करके बता ही नहीं सकते कि वन आएगा। देखो इस चीज़ को लाई करने के लिए सेट के अंदर ध्यान से देखो, ये मैंने एफ को अभी हाइड कर दिया, सिर्फ आप इतनी सी चीज़ देखो, अगर ये पूरी चीज़ वापस उसी सेट में आ जाती तो ये हमारा कहलाता कॉन्वेक्स। उस सेट में आने के लिए इस पे अंडर रूट लगाते, इस पे अंडर रूट लगाते और दोनों का सम क्या आना चाहिए था बताओ, वन, तब ये उसी में लाई करता, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल होगा, ये कैसे हम लोग शो करेंगे। तो इसमें अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं मिल रहा, वही ग्राफ से ही इसको करना पड़ेगा। ग्राफ तो आप लोग सभी को आता है, ग्राफ तो बनाने आता है ना सबको, वन वन से पास करेगा और जैसे जैसे एक्स हमारी छोटी वैल्यू होगी, वाई किसकी तरफ, जैसे ही एक्स जीरो हो जाएगा वाई किसकी तरफ चला जाएगा बताओ, वन की तरफ, जैसे ही वाई जीरो हो जाएगा एक्स वन की तरफ, लाइक दिस वे, और ये सेट क्या होता है, कॉन्वेक्स। इसको अभी रहने दो, फिर बाद में कभी देखेंगे तो बताएंगे। कुछ मिसप्रिंट है इसमें, होगा वाई इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन होना चाहिए था तभी होगा कॉन्वेक्स, हाँ क्योंकि ऊपर वाला ही होगा ना कॉन्वेक्स,
तो ग्रेटर देन ही होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन में गलती है तो उसको आप ग्रेटर देन बना करके ही कर सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखना क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्केच द लेवल कर्व फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एट हाइट्स स्पेसिफाइड बाय के। एफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एट द हाइट के इज इक्वल टू जीरो। बस एक ही के हमें दिया हुआ है जीरो, इसके लिए हमें करना है। तो ध्यान से देखो, के का मतलब होता है एफ एक्स वाई, जीरो डाल दिया तो जीरो इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या आ गई बताओ, x टू द पावर 2/3। इसके लिए ग्राफ आपने फर्स्ट सेम में पढ़ा था, y इक्वल टू x टू द पावर 1/3 का ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 1/3 का ग्राफ किससे डराइव होता है बताओ, y इक्वल टू x क्यूब से डराइव होता है, याद है सबको। y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ कुछ इस शेप का होता है, और ये आपको बताया गया है कि लाइन y इज इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है ग्राफ का, तो वो बन जाता है इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। और ध्यान देना, x क्यूब का इनवर्स क्या होगा, x टू द पावर 1/3। एक तरफ आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो क्यूब लेकर के जा रहे हो, तो राइट से लेफ्ट आओगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो x क्यूब का इनवर्स फंक्शन क्या होगा बताओ, 1/3। तो इसका हम रिफ्लेक्शन कर देंगे किस लाइन के अबाउट, अबाउट लाइन y इज इक्वल टू x। तो दिस विल बी ग्राफ ऑफ, डार्क ब्लैक लाइन विल बी द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3। अब इन्होंने कहा है कि y इज इक्वल टू x टू द पावर 2/3 कर दो। यहाँ देखो जरा, ऑड पावर था तो जो नेगेटिव था उसको नेगेटिव क्वाड्रेंट में शेड किया था, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से जो पॉजिटिव था उसमें थोड़ा बहुत बस शिफ्टिंग आएगा, जो कि ना के बराबर होगा, वो कंपेरेटिवली दिखेगा, ऐसे शेप तो वही रहेगा। और जो नीचे बना है उसको भी क्या कर देंगे, ऐसे बना देंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 2/3, दिस इज द लेवल कर्व। हो गया ये। नेक्स्ट देखना सेकेंड पार्ट, जी एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, एक और लेवल कर्व है, जी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एल एन एक्स एट हाइट के इज इक्वल टू 0.2। के की जगह आप क्या डालोगे बताओ, 0.2, और इधर मिलेगा वाई माइनस एल एन एक्स। तो वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस 0.2, ये भी आपका फर्स्ट सेम पे बेस्ट है। फर्स्ट सेम में आपने बनाया हुआ है y इज इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ ऐसे। अब मुझे बताओ कि फंक्शन में बाहर से कुछ आकर के कांस्टेंट ऐड हुआ, तो विच टाइप ऑफ शिफ्टिंग इज दिस वन, वर्टिकल अपवर्ड। y में ऐड हुआ है ना, y की वैल्यू थी एल एन एक्स, अब जो पुरानी वैल्यू है सब में 0.2 ऐड कर करके मिलेगा, यानी हाइट बढ़ जाएगी ग्राफ की। यानी जो पहले 1 पे 0 मिल रहा था, अब 1 पे क्या मिलेगा बताओ, 0.2, एंड द ग्राफ विल बी लाइक दिस वे। बस आपको यही समझा देना है कि यहाँ 1 बना देना, अब 1 से नहीं क्रॉस करके ग्राफ जाएगा, 1 के सामने किस पॉइंट से क्रॉस करता हुआ जाएगा, 0.2। अगर आप इस पॉइंट को मेंशन कर देते हो तो क्लियर हो जाएगा कि आपको पूरा ग्राफ का बेसिक्स आता है। क्लियर है, ये हो गया लेवल कर्व हमारा। मेरे ख्याल से बी पार्ट तो आप लोग कर सकते हो, चेन रूल, बी पार्ट इज इजी, बी पार्ट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है और हैज़ कॉन्टिन्यूस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ सपोज, तो फाइंड डेल जेड बाई डेल आर और डेल टू जेड बाई डेल आर टू। मेरे ख्याल से ये आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखना बी का सेकेंड, बी का फर्स्ट आप लोग खुद से ट्राई करोगे, सेकेंड देखो। लेट जेड इज इक्वल टू
x square plus 3xy minus y square. Suppose x changes from 2 to 2.01, yani change in x kitna hua hai batao, 0.01, and y changes from 3 to 2.98 ka matlab kitna ho gaya, minus 0.02. find and compare the values of delta z and dz. ठीक है, सबसे पहले आपको बताते हैं डिफरेंशियल का रूल. टोटल डेरिवेटिव होता है dz इज इक्वल टू, देखो जो फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करो तो जेड एक्स और उसके साथ क्या लग जाएगा बताओ, डी एक्स. ये देखो, जब ना समझ में आए तो साइलेंट नहीं कहते वैसे, हिडन आप t मान लो तो इधर भी क्या बन जाएगा, हिडन बताओ t. जो रेड से लिख रहे हैं वो आपको शो नहीं करना, वो खुद के समझने के लिए है. फिर आप क्या करोगे, जेड वाई इंटू डी वाई और हिडन क्या है बताओ, डी टी. ये हमें शो करने की ज़रूरत ही नहीं होती. तो डी जेड की वैल्यू आ जाएगी जेड एक्स, इसका पार्शियल डेरिवेटिव बताना एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, टू एक्स प्लस थ्री वाई इंटू डी एक्स. जब हम जेड वाई निकालेंगे तो आ जाएगा थ्री एक्स माइनस टू वाई इंटू डी वाई. दिस इज डी जेड. बस यहीं तक हम लोग नहीं, कुछ और भी दे रखा है. अब अगर एट लेवल देखोगे तो x और y की वैल्यू कितनी दे रखी थी, जब हम x 2 पे थे और y किस पे थे बताओ, 3 पे थे, तब की बात हो रही है. बात आ रही है समझ में? तो dz निकल आएगा, x की जगह 2 डालोगे तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 कितना हो गया, 13 इंटू डी एक्स. थ्री एक्स माइनस टू वाई इंटू डी वाई, तो 3 2 जा 6 और माइनस 6 ये 0 हो गया. 3 टू जा 6 और माइनस 6 0 इंटू डी वाई. दिस इज द फंक्शन डी जेड. अब इसमें हम डी एक्स और डी वाई की वैल्यू नहीं डाल सकते, 0.01 और माइनस 0.02, क्योंकि वो डी एक्स और डी वाई नहीं है, वो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है, वो एब्सोल्यूट टर्म्स में डिफरेंस है. तो ये तो डी जेड यहीं तक आंसर होगा. इन लोगों ने जो वैल्यू डाली है वो गलत है, वो हम इसमें नहीं डाल सकते. ठीक है, वो डालेंगे हम लोग डेल्टा जेड में डालेंगे. डी जेड का कॉन्सेप्ट लिमिट से रिलेटेड होता है, इसलिए डी जेड हम यहीं तक छोड़ देंगे. डी एक्स और डी जे डी वाई नहीं दिया हुआ है तो वो यूज़ करना यहाँ ज़्यादा सही नहीं होगा. हम लोग किस में यूज़ करेंगे, डेल्टा जेड में. देखो जरा डेल्टा जेड, हमें फंक्शन में दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर. ये डिफरेंशियल का रूल आपने चैप्टर 5 में भी पढ़ा था, फर्स्ट सेम में. यहाँ ध्यान दो, चेंज इन जेड विल बी इक्वल टू, पहले आपको फंक्शन क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो 2x और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, चेंज इन x. इसको डिफरेंशियल कहते हैं. ठीक है, डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशिएशन नहीं कहते, डिफरेंशियल. 3xy है तो इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, 3x को मैंने रखा तो इसके साथ आ जाएगा चेंज इन y, नेक्स्ट टाइम 3y को रखा तो इसके साथ क्या आ गया बताओ, चेंज इन x. y स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू चेंज इन y. अब आपके पास xy, चेंज इन x और चेंज इन y की एब्सोल्यूट वैल्यू, सारी वैल्यूज है, आप पुट कर दो. क्या पुट कर दोगे बताओ, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, डेल्टा x इज इक्वल टू 0.01 एंड डेल्टा y इज इक्वल टू माइनस 0.02, यू विल गेट डेल्टा z. क्लियर है? डेल और डी में डिफरेंस होता है, यहाँ ध्यान दो, आपने पढ़ा था, यहाँ ध्यान दो कि जब डेल जेड बाई डेल टी और लिमिट जब लगाते हैं ना, डेल टी टेंड्स टू ज़ीरो जब बहुत छोटा होता है तब बनता है ये डी जेड बाई डी टी. इसलिए जो वैल्यू हमें दे रखी है वो डेल की दे रखी है, डी की नहीं दे रखी है, तो हम उसको नहीं पुट कर सकते. हम डी एक्स को डी एक्स ही रहने देंगे. कहाँ दिया हुआ है?
अगर आप इसको बहुत स्मॉल मानते हो, अगर ये लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, तब हम उसको पुट कर सकते थे एंड कंपेयर द वैल्यूज ऑफ. अच्छा ठीक है, तब तो पुट करना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए. तो इसके लिए एक लाइन आपको बगल में लिख देना पड़ेगा कि वी आर एज्यूमिंग 0.01 टू बी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू एक्स इज इक्वल टू 2. ठीक है, इस तरीके से. तो चलो वापस आओ, उस पर वैल्यूज डालते हैं हम लोग. अब अगर हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि यही dx बहुत स्मॉल है, तो dz की वैल्यू कितनी आ गई हमारी बताओ. 13 इंटू 0.01 इज हाउ मच, 0.13. अब डेल्टा z में निकालेंगे. डेल्टा z निकालो क्या आ रहा है, देखो जो भी आएगा कंपेयर करके बता दोगे कि कितना डिफरेंस है. ये आप लोग अपना घर पे कर लेना, इसका आंसर आ जाता है. नेक्स्ट देखना c एंड देन कंपेयर, इसकी वैल्यू निकाल करके फिर कंपेयर करोगे. फिर है सी, कंसीडर द कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन. ध्यान से देखो, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी. अगर सिर्फ नेम भी मेंशन कर दिया कि दिस इज कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, तो भी हमें पता है कि ए और बी क्या है बताओ, पॉजिटिव है. और ए और बी किससे छोटे हैं बताओ, वन से छोटे हैं, सच डैट ए प्लस बी इज इक्वल टू वन. प्रूव डैट एफ इज कॉनकेव इफ एंड ओनली इफ इट एग्जिबिट्स कॉन्स्टेंट और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. तो कॉनकेव क्या प्रूव करना है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव ही होता है ये हमेशा. चलो देखते हैं. तो ये तो हम लोगों ने शायद क्लास में किया भी हुआ है. एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स टू द पावर ए माइनस वन वाई टू द पावर बी. एफ वाई निकालेंगे तो एक्स टू द पावर ए बी वाई टू द पावर बी माइनस वन. एफ एक्स एक्स निकालेंगे तो ए ए माइनस वन एक्स टू द पावर ए माइनस टू वाई टू द पावर बी. एफ वाई वाई निकालेंगे तो क्या आ गया, एक्स टू द पावर ए बी बी माइनस वन इंटू वाई टू द पावर बी माइनस टू. कॉनकेव या कॉन्वेक्स के लिए एफ एक्स वाई भी हमें चाहिए. एफ एक्स वाई निकालेंगे तो एफ एक्स को करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो ए बी एक्स टू द पावर ए माइनस वन वाई टू द पावर बी माइनस. यहाँ तक तो सबने निकाल लिया. अब ध्यान से देखो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए आपको याद है कि एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स एफ वाई वाई की वैल्यू निकालते हैं. एफ एक्स एक्स इज वॉट, ए ए माइनस वन एक्स टू द पावर ए माइनस टू वाई टू द पावर बी. एफ वाई एक्स इज ए बी एक्स टू द पावर ए माइनस वन वाई टू द पावर बी माइनस वन. यही सेम चीज़ इधर भी है, एक्स टू द पावर ए माइनस वन वाई टू द पावर बी माइनस वन, एक्स टू द पावर ए बी बी माइनस वन वाई टू द पावर बी माइनस टू. नाउ सी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. तो गौर से देखना, ए बी ए माइनस वन बी माइनस वन x टू द पावर कितना हो जाएगा, a माइनस टू और a टू ए माइनस टू वाई टू द पावर टू बी माइनस टू. माइनस करेंगे हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स टू द पावर टू ए माइनस टू वाई टू द पावर टू ए माइनस टू. तो कॉमन क्या आ गया बताओ, ए बी कॉमन आ गया, x टू द पावर टू ए माइनस टू कॉमन आ गया, y टू द पावर टू बी माइनस टू कॉमन आ गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए बी माइनस बी माइनस ए और प्लस वन और माइनस ए बी, ये कैंसिल. ए प्लस बी होता है वन, तो ये हो गया पूरा ज़ीरो. लेकिन ज़रा एफ एक्स एक्स के बारे में डिस्कस करें, एफ एक्स एक्स के बारे में. तो दिस इज ए इज़ पॉजिटिव, लेकिन ए तो वन से छोटा होता है, तो ए माइनस वन क्या आ गया बताओ, नेगेटिव, जिसकी वजह से पूरी चीज़ नेगेटिव, ये पूरी चीज़ नेगेटिव. तो बाय कंडीशन ऑफ कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी, जब नेगेटिव आ जा रहा है तो ये किस टाइप का फंक्शन होगा, कॉनकेव. सो इट इज कॉनकेव फंक्शन. और साथ ही साथ ये जो लेस देन जीरो आया है, यही क्या बता रहा है बताओ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी मैंने क्लास में बताया हुआ है कि अगर एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफ्रेंशिएट करो और वो नेगेटिव आता है, तो ये क्या हो गया बताओ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. तो दोनों साथ साथ हो रहा है ना. अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होगा तो ये भी कॉनकेव नहीं होगा,
और अगर ये कॉनकेव नहीं होगा तो ये भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं होगा, तो इफ एंड ओनली इफ इसी से प्रूव हो गया। आ गई बात समझ में? अब कितने क्वेश्चन रह गए? 4 और 5, दो क्वेश्चंस रह गए ना। चलो इसको करते हैं, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में 4 और 5 को, अभी इस वाले वीडियो में तो इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 2017 का 4 एंड 5।